नमस्कार प्यारे बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 2 में पार्ट नंबर 9 पानी और उसका महत्व, जो कि आपकी पर्यावरण की किताब से लिया गया है, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। पानी, पानी यानी कि जल। आपको पता है कि जल को क्या कहते हैं? जल ही जीवन है। जल जो है, अगर हमें पानी पीने को नहीं मिलेगा, अगर पानी हमारे ज़िंदगी में नहीं होगा, तो हमारी जो ज़िंदगी है, जो हमारा जीवन है, वो नष्ट हो जाएगा। तो उसी पानी के बारे में और उसके महत्व के बारे में हमें इस पाठ में समझाया गया है। अब कह रहे हैं कि सभी प्राणियों को पानी की आवश्यकता होती है, हमें पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, नहाने के लिए, बर्तन तथा कपड़े धोने आदि अनेक कार्यों के लिए पानी चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि जल ही जीवन है। आगे ना मिला है कि सभी प्राणियों को पानी की आवश्यकता होती है। जो सभी प्राणी हैं, मान लो अगर पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, हम हैं, तो हमें सभी को पानी की आवश्यकता होती है। तो हमें पानी पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, नहाने के लिए, बर्तन तथा कपड़े धोने आदि अनेक कार्यों के लिए पानी चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि जल ही जीवन है। उसके बाद देखो, केवल मनुष्यों को ही नहीं पानी की जरूरत, सभी पशु पक्षियों को भी इसकी जरूरत होती है। और पेड़ पौधे भी जो हैं, वो पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। ये कहते हैं कि केवल मनुष्य को ही नहीं पानी की ज़रूरत जो है, वो पशु पक्षियों को और पेड़ पौधों को भी होती है। वह भी इसके बिना जीवित नहीं रह सकते। एक छोटा सा पौधा लेके आओ आप, उसको अगर आप पानी नहीं दोगे तो वो सूख जाएगा। आप इसको घर पे ही देख सकते हो। अगर एक आप पौधा लेते हो, उसको अगर आप समय से पानी नहीं दोगे तो वो सूख जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि केवल मनुष्य को ही पानी की ज़रूरत नहीं, अपितु सभी पशु पक्षियों को भी इसकी ज़रूरत होती है। पेड़ पौधे भी जो है, पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। आओ हम विचार करते हैं कि पानी कहाँ से प्राप्त होता है, कि हम विचार करते हैं कि पानी कहाँ से प्राप्त होता है। देखो, कुओं, तालाबों तथा नदियों से हमें पानी प्राप्त होता है। नदियों के जल को रोक कर क्या बनाए जाते हैं? बांध। नदी के जल को रोक कर क्या बनाए जाते हैं? बांध। बांधों के द्वारा हम पानी उपलब्ध करवाया जाता है। जो बांध बनाए जाते हैं, उनसे हमें पानी भी उपलब्ध कराया जाता है, और बांधों के द्वारा ही बिजली भी बनाई जाती है। तो कुओं, तालाबों तथा नदियों से हमें पानी प्राप्त होता है। नदियों के जल को रोककर बांध बनाए जाते हैं, और बांधों के द्वारा ही हमें जो पानी उपलब्ध कराया जाता है, और उसी से क्या बनाई जाती है? बिजली। बिजली बनाई जाती है। तो क्या देखा हमने कि सभी प्राणियों को पानी की आवश्यकता होती है, हमें पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, नहाने के लिए, बर्तन तक कपड़े धोने आदि अनेक कार्यों के लिए पानी चाहिए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जल ही जीवन है। केवल मनुष्य को ही नहीं पानी की जरूरत, सभी पशु पक्षियों और पेड़ पौधों को भी पानी की जरूरत होती है। तो उस पर हमने विचार किया कि ये देखो, नदी बता रखी है, कुआं बना रखा है, ये सारे पानी के साधन हैं। तालाब बना रखा है, हैंडपम्प है, जमीन से जो बोरवेल करते हैं उसका पानी जब ऊपर हैंडपम्प के द्वारा लाया जाता है, तो ये सारे पानी के साधन हैं। इसके बाद उन्होंने बताया था कि कुओं, तालाबों तथा नदियों से हमें पानी प्राप्त होता है। नदियों के जल को रोक कर जो है, वो बांध बनाए जाते हैं, और बांधों के द्वारा हमें पानी भी उपलब्ध कराया जाता है, और साथ में बिजली भी बनाई जाती है। उसके बाद देखो, गाँव में कुएं खोदकर पानी उपलब्ध कराया जाता है। जो गांव होते हैं, उसमें कुएं खोदकर पानी उपलब्ध कराया जाता है। कुछ पक्के कुएं बनाए जाते हैं, तो कुछ कच्चे भी होते हैं। कुछ जो कुएं होते हैं वो पक्के बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ कच्चे भी होते हैं। अनेक तालाब भी होते हैं, जिनमें से हमारे पशु पानी पीते हैं। उस पानी को साफ करके मनुष्य भी पीते हैं। कुछ कहते हैं कि तालाब भी बनाए जाते हैं, जिनमें पशु पक्षी पानी पीते हैं, और उसमें कुछ पानी को साफ करके मनुष्य भी पीते हैं। जहाँ कुओं की व्यवस्था नहीं होती, वहाँ हैंडपम्प लगाकर पानी प्राप्त किया जाता है। अगर कहीं कुआं नहीं है, तो वहाँ कैसे पानी प्राप्त किया जाता है? हैंडपम्प लगाकर पानी प्राप्त किया जाता है। शहरों में पानी की बड़ी बड़ी टंकियाँ बनाई जाती हैं,
पाइपों के द्वारा मनुष्यों को पानी उपलब्ध कराया जाता है। जो शहर है वहाँ पानी की बड़ी बड़ी टंकियाँ बनाई जाती हैं और पाइपों के द्वारा मनुष्यों को पानी जो है वो उपलब्ध कराया जाता है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि ये जल कहाँ से आता है? क्या आप जानते हो, क्या बता सकते हो कि ये जल कहाँ से आता है? जो जल है वो कहाँ से आता है? जल वर्षा द्वारा धरती पर आता है। वर्षा के द्वारा कहाँ आता है? धरती पर आता है। ये बादलों से धरती पर बूंदों के रूप में बरसता है। जो बादल होते हैं उनके रूप में धरती पर बरसता है। उसी जल को धरती अपने अंदर सोख लेती है। वो जल जो होता है वो धरती कहाँ करती है? अपने अंदर सोख लेती है। उसी जल को विभिन्न प्रकार से हम धरती में से प्राप्त कर लेते हैं। कुछ जल तालाबों में भर जाता है, कुछ नदियों में बह जाता है और दोबारा समुद्र में चला जाता है। पानी के बिना जो है हमारा जीवन नहीं चल सकता। कोई भी प्राणी जो है वो जल के बिना जीवित नहीं रह सकता और ना पेड़ पौधे ही उग सकते हैं। अतः पानी जो है बहुत अमूल्य है, इसे बेकार नहीं बहने देना चाहिए। दोबारा से देखो कि गांव में कुएं खोदकर पानी उपलब्ध कराया जाता है। कुछ पक्के कुएं बनाए जाते हैं तथा कुछ कच्चे भी होते हैं। अनेक तालाब भी होते हैं जिनमें से हमारे पशु पक्षी जो हैं वो पानी पीते हैं। उस पानी को साफ करके मनुष्य भी पीते हैं। जहाँ कुओं की व्यवस्था नहीं होती वहाँ हैंडपंप लगाकर पानी को प्राप्त किया जाता है। शहरों में पानी की बड़ी बड़ी टंकियाँ बनाई जाती हैं और पाइपों के द्वारा मनुष्य को जो है वो पानी उपलब्ध कराया जाता है। अब कहते हैं कि क्या आप बता सकते हो कि ये जल कहाँ से आता है? ये जल हमें कहाँ से मिलता है? ये जल जो होता है वर्षा द्वारा धरती पर आता है। ये बादलों से धरती पर बूंदों के रूप में बरसता है। उसी जल को धरती अपने अंदर सोख लेती है और उस जल को हम विभिन्न प्रकार से धरती से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कई हैंडपंप बना लेते हैं, कई कुएं बना लेते हैं। कुछ जल तालाबों में भर जाता है तथा कुछ नदियों से बहकर दोबारा समुन्द्र में चला जाता है। पानी के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। कोई भी प्राणी जो है वो जल के बिना जीवित नहीं रह सकता और ना पेड़ पौधे और जल के बिना ना ही पेड़ पौधे उग सकते हैं। अतः पानी जो है बहुत अमूल्य है, इसे बेकार नहीं बहने देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, पानी जो है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर एक दिन पानी नहीं पीते तो आपका बहुत बुरा हाल हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि पानी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पानी जो है हमारी एक ऐसी आवश्यकता है जिसके बिना हमारा जीवन मुश्किल है। तो इस पाठ में हमने पानी के संबंध में चर्चा की, पानी हमें कहाँ से मिलता है ये संबंध के इस संबंध में चर्चा की, और पानी से हमें क्या लाभ है, पानी किस किस के लिए आवश्यक है। सभी जीवों के लिए, मनुष्य के लिए भी आवश्यक है, पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है और पशु पक्षियों के लिए भी आवश्यक है। तो पानी जो है हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो इससे संबंध में हमने चर्चा की। अब इसमें कुछ सही गलत आए हैं जो आज हम बुक में भरेंगे। उनको आप अपनी कॉपी में साफ साफ और सुंदर सुंदर लिखेंगे और अपना जो गृह कार्य है वो समय से पूरा करेंगे। देखिए, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। जो सही कथन है उस पे सही का चिन्ह लगाना है और जो गलत कथन है उस पे गलत का चिन्ह लगाना है। तो पहला इन्होंने पूछा है, पानी हमारा जीवन है। जो पानी है वो हमारा जीवन है, ये सही है कि गलत है? पानी जो है वो हमारा जीवन है कि नहीं है? पानी से हम जीवित रह सकते हैं? तो पानी जो है वो हमारा जीवन है, तो ये क्या आएगा? सही, पानी हमारा जीवन है ही है। हम मानते हैं इस चीज को कि पानी जो है उसी से हम जीवित रहते हैं। वर्षा का जल खारा होता है। आप जो वर्षा आती है, बारिश आती है, उसका जल खारा होता है। ये यूं कह रहे हैं, क्या वो जल खारा होता है? वर्षा का जल खारा होता है क्या? नहीं, वर्षा का जल खारा नहीं होता है। इसमें क्या आएगा? गलत। उसके बाद आता है, हमें गंदा पानी पीना चाहिए। जो गंदा पानी है हमें वो पीना चाहिए, क्या ये सही है? आप कौन सा पानी पीते हो? साफ पानी पीते हो ना? गंदा पानी पीने से क्या होता है, हमें बीमारियां लग जाएंगी। गंदे पानी पीने से हम बीमार हो जाएंगे, बीमारियां लगेंगी, हमारे लिए कठिनाई हो जाएगी। तो ये हमें कह रहे हैं कि हमें गंदा पानी पीना चाहिए। तो आप बताओ, क्या
गंदा पानी पीना चाहिए कि साफ पानी पीना चाहिए? हमें साफ पानी पीना चाहिए। अब ये पूछ रहे हैं कि ये लाइन सही है कि गलत है, कि हमें गंदा पानी पीना चाहिए, तो ये गलत है। उसके बचाता है, पेड़ पौधे पानी के बिना नहीं उग सकते। जो पेड़ पौधे हैं वो पानी के बिना नहीं उग सकते। कहते हैं कि पेड़ पौधे जो हैं उनके लिए पानी बहुत बड़ी जरूरत है। पेड़ पौधे पानी के बिना नहीं उग सकते, ये सही है कि गलत है? ये सही है, क्योंकि पेड़ पौधों के लिए पानी बहुत जरूरी है, तो ये सही है। अब अगला पांचवा ये पूछ रहा है कि जो नदियों का जल है हमारे कुछ काम नहीं आता। जो नदियाँ आ रही हैं उसका जल जो है उसका हम उपयोग नहीं करते, हमारे कोई काम नहीं आता, वो बहता रहता है, वो मतलब कि जल हमारे कार्य के लिए सही नहीं है। ये सही है कि गलत है? ये गलत है। नदियों का पानी हम यूज़ करते हैं। आपके गांव में नदियाँ होंगी, नहर आती है, तो उसका पानी आप यूज़ नहीं करते, पीने के लिए करते हो, सिंचाई के लिए करते हो। तो ये तो सीधा यूँ पूछ रहे हैं कि नदियों का जल हमारे कुछ काम नहीं आता, तो ये चीज़ गलत है। नदियों का जो जल है हमारे काम आता है। दोबारा से देख लो, ये कह रहे हैं कि पानी हमारा जीवन है, तो ये चीज़ सही है। जो पानी है हमारा जीवन है। उसके बाद वर्षा का जल खारा होता है। जो वर्षा का जल है वो खारा होता है, तो ये बात गलत है। हमें गंदा पानी पीना चाहिए। जो हमें गंदा पानी पीना चाहिए, ये भी गलत है। पेड़ पौधे पानी के बिना नहीं उग सकते। पेड़ पौधों के उगने के लिए पानी आवश्यक है। कहते कि पेड़ पौधे पानी के बिना नहीं उग सकते, तो ये चीज़ भी क्या है, सही है। उसके बाद कह रहे हैं कि नदियों का जल जो है हमारे कुछ काम नहीं आता। जो नदियों का जल है वो हमारे काम नहीं आता, क्या ये सही बात है? नहीं, ये गलत बात है। तो ये आपके सही और गलत हो गए, सत्य असत्य जिनको बोलते हैं वो चीज़ हो गई। आज के पाठ में हमने पानी के संबंध में चर्चा कर ली, सही गलत का कर लिया। इन सही गलत को आप अपनी जो कॉपी है, जो आपने नोटबुक लगा रखी है, उसमें साफ साफ और सुंदर सुंदर करेंगे। इनको पांचों को आप अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे, उसके बाद इन पे सही गलत का निशान लगाएंगे। इस तरह आप अपना गृह कार्य पूरा करेंगे। और पानी के संबंध में आप देखेंगे कि आपके आसपास कौन कौन से, आप घर में रहते हो, आपको पता ही है कि पानी से कौन कौन से घर के कार्य किए जाते हैं। आप खाना बनाना, नहाना, बर्तन धोना, ये सारे पानी के कार्य हैं। तो इसको पानी को हमें इस्तेमाल भी जो है ना वो बहुत आराम से और ढंग से करना चाहिए। अगर जल हमारा जीवन है, अगर जल खत्म हो गया तो हमारा जीवन जो है वो मुश्किल में आ जाएगा। इसलिए पानी का जो इस्तेमाल है उसको सही ढंग से करना चाहिए। तो ये आपके सही गलत हो गए, इनको आप अपनी कॉपी में लिखोगे और अच्छी तरह से याद करोगे। धन्यवाद।